क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी? बंदूक गन क्या करोगे तुम? एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों के, जो इनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके पास कौन सी दवाई हमेशा होनी चाहिए, जो कि तीन दवाई हैं जो कि आपके पास हमेशा ही होनी चाहिए। और हम दवाई का तो यूज़ टू मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि बच्चों के लिए दवाई की आदत डालें या किसी भी तरह का तुरंत कुछ भी हो, तुरंत वो रो रहे हैं तो दवाई दे दो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आपके कहते ना कि कुछ दवाइयाँ आपके घर में होनी चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स में, तो वो दवाई ही तीन दवाई है बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा दवाई को रिकमेंड नहीं करूँगी और आगे उसकी मर्जी है आपकी। लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना डॉक्टर से सजेशन का कोई दवाई परचेज ना करें। चलिए, वीडियो को डिले ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नाक बंद होने का बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है कि उनका नाक तुरंत, आप सपोज आप नहला रहे नहलाया आपने और ठंड लग गई तो थोड़ा नाक जाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। तो सर्दी जुकाम के लिए तो डॉक्टर मेरे जब छोटा बच्चा तो था तो एम्स के डॉक्टर ने बोला था क्या कि हम सर्दी जुकाम का कोई दवा नहीं देते, एक नोजल ड्रॉप के अलावा कोई भी दवा उन्होंने मेरे बेटे को नहीं दिया था। तो उन्होंने बोला था कि जब भी आपको लगे कि बच्चा का नाक बंद है, रो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा आपका, तो आप एक एक बूंद डाल सकते हो, सुबह शाम डाल सकते हो। यदि बच्चा कंफर्टेबल है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो आपके पास नोजल ड्रॉप ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये है नोजल ड्रॉप, ये इसका जो नाम है नेसो क्लियर नाम है, इसका नाम नेसो क्लियर है। तो आप नोजल ड्रॉप रख सकते हैं अपने पास और डॉक्टर से पूछ के जो आपके बेबी को सूट करे वो आप रख लीजिए। दूसरा नंबर पे आता है पैरासीटामोल। ये रहा पैरासीटामोल छोटे बच्चों के लिए जो होता है ना, ये क्रोसिन ड्रॉप है जो कि 15 ml का है, जो है पेपरमिंट फ्लेवर का है। ये हमारा तो बड़ा सिंपल सा पैरासीटामोल आता है, इनका तो पेपरमिंट फ्लेवर का है। तो ये आपका होना चाहिए पैरासीटामोल, क्योंकि उन्हें कभी कभी वैक्सीन हो लगता है तो उन्हें फीवर आ जाता है। तो आप जब भी फीवर आए तो आप आधा चम्मच दे सकते हैं पैरासीटामोल, क्योंकि उसके फीवर में जो दर्द होता है, पेन होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। या किसी भी तरह का यदि आपको लगे कि बच्चे का माथा गर्म है तो लगे माथा गर्म से बिल्कुल ना दें, आप टेम्परेचर उसको नापें, यदि फीवर है तो दे पैरासीटामोल। अदरवाइज सबसे पहले फीवर आ रहा है तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, तब किसी भी तरह का दवा देना चाहिए। बट हाँ, यदि आप वैक्सीन लेके आ रहे हैं और फीवर है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। तीसरी दवाई है एक गैस्ट्रिया करके आती है, बच्चों की दवाई होती है, पेट की होती है, जिसमें पेट बच्चों को गैस हो जाता है, वो बहुत रोते हैं। हालांकि इसकी भी कुछ घरेलू उपाय हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आगे जाके कि मतलब यदि गैस है और रो रहा है बच्चे का मुंह लाल है और जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो डैट मीन्स कि वो अपना जो गैस वो निकाल नहीं पा रहा, निकालने में दिक्कत आ रहा है और अनकंट्रोल है, कुछ भी करो तो रो जा रहा है, उसे कॉलिक पेन भी बोलते हैं तो इंग्लिश में। बट यदि उसे इस टाइप का दिक्कत लग रहा है तो आप उसे एक ड्रॉप दे सकते हैं, 25 ड्रॉप जो होता है वो दे सकते हैं उसे और उसे आराम मिलेगा। यदि आप बाहर की दवाई नहीं दे सकते तो मैं घरेलू उपाय भी बताती हूँ आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो और तीसरा नंबर है, आप अपने पास ORS जरूर रखिए। बच्चे का मोशन यदि लगे कि आपका गर्मी का टाइम है और मोशन उसे बार बार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसे ORS दें। और ORS किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता है, तो आप ये तीन चार दवाइयाँ जो हैं वो अपने पास रख सकते हैं। ये इसके अलावा तो मैं कोई दवाई रिकमेंड नहीं करूँगी बच्चों के लिए बिना डॉक्टर के सजेशन के लिए, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए। तो बट ये तीन चार दवाइयाँ हमेशा रखना चाहिए, कॉटन रखना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, जो कि मतलब हमेशा आपको हेल्प करेगा। किसी भी तरह का कटा फटा या फिर बैंडेड रखना चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें।
और मैं आगे बताने वाली थी कि बच्चों का गैस जो होता है, गैस में जो प्रॉब्लम होता है, जो जो पेट में जो उसे कॉलिक पेन बोलते हैं जो हो जाता है, ये बड़ा ही मतलब बहुत ही दिक्कत होता है, जो कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 महीने तक के बच्चे, 8-9 महीने तक के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। बट ये एज वाइज ज़्यादा 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 वो ठीक हो जाता है। कॉलिक पेन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये मैं दूसरे टॉपिक पे आ गई। तो चलो मैं बस अभी मैं बस इतना ही बताऊंगी कि बच्चों की जो मेन मेन दवाइयां हैं ये आपके पास रहनी ही चाहिए और होनी ही चाहिए। और यदि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लगे, ज़्यादा कुछ डाउट लगे, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। धन्यवाद।